नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल की कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम UPPCS प्री 2015 की परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कई बातों की जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि विश्व जलवायु सम्मेलन और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, कार्बन व्यापार और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, देखिए दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब इंग्लैंड फ्रांस जैसे जो साम्राज्यवादी ताकतें थीं उनकी अपने ठिकाने आ चुकी थी। यद्यपि वे विजयी हुए किंतु उनको भारी आर्थिक क्षति हुई थी। पिछली सदी में इन देशों ने औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं औपनिवेशीकरण के जरिए भारी आर्थिक प्रगति की थी। उस क्रम में संसाधनों का अत्यधिक दोहन और पर्यावरण को बहुत ही नुकसान हुआ था और इन देशों में उग्र राष्ट्रवाद के चलते वैश्विक शांति को भी काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। पहले लीग ऑफ नेशंस था, लेकिन वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध होने से रोक नहीं सका और उसकी जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि आगे चल करके वैश्विक शांति बनी रहे और इस तरह की भयावह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध जैसी पुनः न हो। और आगे चलकर इसी UN के प्रयासों से अनेक संगठनों का निर्माण हुआ जो वैश्विक शांति और समृद्धि को पुनः स्थापित कर सके। जो UN था, UN की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। अतः 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस के प्रयासों से कई संगठनों का निर्माण हुआ जो विश्व की भलाई के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसीलिए हर वर्ष आप देखेंगे कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये जो WMO है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और यही संगठन है जो वो कई कॉन्फ्रेंसेज आयोजित करा चुका है। अगर देखा जाए तो अब तक 3 वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं। पहला 1979 में हुआ था, दूसरा 1990 में हुआ था और तीसरा 2009 में। ठीक, ये 3 कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं और चूंकि इसका मुख्यालय जिनेवा में है तो ये सारे जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, सारे सम्मेलन हैं जिनेवा में ही हुए हैं। तो इसलिए जो प्रश्न है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, ये बिल्कुल सही है। आप देख ही चुके हैं कि पहला 1979 में हुआ था, फिर 1990 में हुआ था और फिर 2009 में हुआ था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए, बात करते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई और उसने देखा कि पिछली सदी में औद्योगिकीकरण की वजह से क्लाइमेट को बहुत नुकसान हो चुका है। तो आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस के सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी वैश्विक चर्चाएँ प्रारंभ हो गई। ठीक, इसी क्रम में 16 मई 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया और इसको हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर। ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये पहला प्रयास था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पर्यावरण को लेकर के। तो आप, हो सकता है कि आप
कंफ्यूज हो जाएं कि पहला जो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन है, आप इसको प्रथम ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस था इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे कि ये ऑप्शन गलत है, इसको 1972 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो विश्व जलवायु सम्मेलन है ये WMO के द्वारा आयोजित किया जाता है और जिसकी कॉन्फ्रेंस पहले 1979 में हुई थी, तो ये तो सही था। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर जो पहला क्लाइमेट को लेकर के प्रयास था, इसी प्रयासों के फलस्वरूप एक संगठन UNEP का, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ। और ये गठन हुआ था 5 जून 1972 को। इसी वजह से 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और काफ़ी एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, ये तो बहुत लोग जानते हैं। लेकिन क्यों मनाया जाता है? इसी वजह से कि यूनाइटेड नेशंस के प्रयासों से जो पहला क्लाइमेट के ऊपर बैठक हुई थी, ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर बैठक हुई थी, उसके फलस्वरूप 5 जून 1972 को एक संगठन UNEP अस्तित्व में आया था। और ये UNEP ने आगे चल करके क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत सारे प्रोटोकॉल में, बहुत सारे अनेक संगठनों को डेवलप करने में, तो ये इसकी मुख्य वजह है। ठीक, अब देखिए, ये जो 1972 में ये जो UN की तरफ से ये बैठक हुई थी, उसके ठीक 20 साल बाद ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जेनेरियो में फिर सारे लोग इकट्ठा हुए, UN के जितने भी मेंबर्स थे, और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो अर्थ समिट। देखिए, ये रियो में हुआ था और ये 1972 में, बहुत हिस्टोरिक है। यहाँ से पर्यावरण के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया और जो आगे चल करके इसका बहुत ही सकारात्मक असर हुआ है वैश्विक पर्यावरण के क्षेत्र में। और इसी रियो कन्वेंशन में या रियो अर्थ समिट में थ्री सिस्टर्स रियो कन्वेंशंस की उत्पत्ति हुई, यानी इसमें बहुत तरह की कन्वेंशंस या बहुत तरह की बातों पर समझौता हुआ जिसमें तीन बहुत मुख्य हैं। आप देख सकते हैं कि पहला इसमें जो कन्वेंशन था, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता के ऊपर, फिर दूसरा था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के ऊपर था, और इसमें एक और था जो UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है कि जमीन धीरे धीरे वहाँ पे बालू की मात्रा बढ़ जाती है और वो अनुपजाऊ हो जाती है। आप देखेंगे कि जब पछुआ हवाएं चलती हैं तो राजस्थान से रेत उड़ती है और दिल्ली और पश्चिमी UP के आसपास क्षेत्रों में आकर के जमा होती है और वहाँ की ऊपरी जो मिट्टी उपजाऊ है उसको ढक लेती है और वहाँ पे रेतीली मिट्टी होने के नाते फिर फसल नहीं उग पाती है। ऐसी सिचुएशंस में ये एक तरह से देखा जाए तो नुकसान है, मान लीजिए पर्यावरण को भी नुकसान है, वहाँ की प्रजातियों को जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी नुकसान है, और ये एक तरह से पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको एड्रेस किया गया था इस अर्थ समिट में। और इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ कन्वेंशंस हुए थे और रियो डिक्लेरेशन हुआ था। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, एजेंडा 21 क्या है कि जब ये समिट हुई थी 1992 में, तो अब 8 साल बाद ही नई सदी की शुरुआत होने वाली थी और 21वीं सदी आने वाली थी। तो इसी 21वीं सदी को लेकर के एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया था, एक रोड मैप तैयार किया गया था कि जैसे पिछली सदी में विकास को लेकर के संसाधनों का इतना दोहन हुआ था औद्योगिकीकरण के काल में,
कि जिससे क्लाइमेट को बहुत नुकसान पहुंचा था। तो विश्व समुदाय ने तय किया कि आगे आने वाली सदी में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह के संसाधनों के दोहन के बाद हम विकास करें। तो एक ऐसा विकास का रोड मैप तैयार किया जाए ताकि विकास सस्टेनेबल हो, सतत हो, संसाधनों का उतना दुरुपयोग ना हो। ठीक, तो एजेंडा 21 देखा जाए तो ये 300 पन्नों का एक प्लान ऑफ एक्शन है और 21वीं सदी के बारे में कि यहाँ का विकास सस्टेनेबल हो सके इसके बारे में। अतः हम देखेंगे कि ये जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो अर्थ समिट, इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया था। तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। और ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी तो आप कॉमन सेंस में भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि पहली अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ और प्लस 5 है तो प्लस 5 कर दीजिए, तो 92 प्लस 5 यानी 1997 जो कि दिया हुआ ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो अर्थ समिट, पहली अर्थ समिट 1992 में हुई और अर्थ समिट प्लस 5 1997 में हुई और विश्व जलवायु सम्मेलन जो WMO के द्वारा हुआ था वो 1979 में हुआ। ठीक, अब देखिए ऑप्शन डी को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये एक कनाडा का नाम आप सुने होंगे, अमेरिका का पड़ोसी देश है और कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में 1989 में UN के सदस्य देशों ने एक प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि पहले जो कन्वेंशंस होती हैं वो उतना ऑब्लिगेटरी नेचर की नहीं होती हैं, लेकिन प्रोटोकॉल में अगर आप उसके सदस्य देश हैं तो आपको मानना होगा। अगर नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर कुछ पेनाल्टीज लगेंगी, आपको उसका कुछ पनिशमेंट मिलेगा। तो प्रोटोकॉल ज़्यादा ऑब्लिगेटरी नेचर का होता है, उसको मानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक प्रोटोकॉल 1989 में हुआ था जो ओजोन क्षरण से लेकर के संबंधित था। ओजोन क्षरण के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं जो मुख्य रूप से सभी लोग जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, तो इनका प्रोडक्शन और इनका कैसे यूज किया जाए ताकि ओजोन को कम से कम नुकसान हो या इनका प्रोडक्शन बंद ही कर दिया जाए अगर इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। और इस संधि में उसी UNEP जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसी संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और UNEP का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में, जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस की ये संस्था आगे चल करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कारण बनी और इससे ओजोन क्षरण को रोकने में काफ़ी मदद मिली। अगर देखा जाए तो UN के सभी प्रयासों में सफलतम या सबसे सफल प्रयासों में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। उस समय के कोफी अन्नान जो UN के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी सफल रहा। और तो ये बातें हो गई। अब देखिए जो आपका प्रश्न था उसमें कार्बन व्यापार के बारे में बातें की गई। तो देखिए कार्बन व्यापार जो है, कार्बन व्यापार CO2 से संबंधित है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, हरित गृह प्रभाव यानी कि सनलाइट आती है पृथ्वी पर और वो ऊपर नहीं जा पाती है और एनवायरनमेंट में जो गैसें होती हैं उनसे टकरा करके वापस फिर पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तो इस हरित गृह प्रभाव को के लिए जो सबसे जिम्मेदार गैसें हैं, जिसमें जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी तत्वों के ऑक्साइड्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से CO2 ही है जो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो इस CO2 से संबंधित जो संधि हुई थी उसको क्योटो प्रोटोकॉल में, जापान का एक शहर है क्योटो में इस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे कम से कम हो और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें और उसको हस्तांतरित करें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ताकि वहाँ पे
ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन ना हो, और क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले एज में डेवलप्ड नेशन ने बहुत ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन किया था, तो अब उनकी नैतिक जिम्मेदारी है ये कि अब उसको कुछ ज़्यादा ही उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी की CO2 के उत्सर्जन को रोकें। उसके लिए अपने देश में भी वो कुछ उपाय कर सकते हैं, और वो चाहें तो डेवलपिंग नेशंस के साथ मिलकर भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं जिससे वैश्विक CO2 उत्सर्जन में कमी आए। तो ये सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों के बारे में आप देखेंगे तो एक कार्बन व्यापार जो है CO2 के उत्सर्जन को लेकर के नियम है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल का आर्टिकल 17 है इसमें कार्बन व्यापार के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन व्यापार है ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, तो ऑप्शन डी गलत है। वैसे भी ये जब सारे ऑप्शन तीनों सही हो चुके हैं तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी वैसे भी सही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस प्रश्न के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।